Hi everyone, I am Karan Masroo. Welcome to this video. आज हम डिस्कस करने वाले गेट 2020 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पेपर का क्वेश्चन नंबर 47 जो कि है फ्रॉम द सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एलगोिदम्स एंड टॉपिक है हिप्स आल्सो बिफोर मूविंग ऑन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द अपकमिंग कोडिंग कंटेस्ट बाय न्यूटन स्कूल दैट इज कोडरस एक्स जिसमें कि टेन लैक्स तक के प्राइजेस है मोर देन फंड्रेड पार्टिसिपेंट्स विल बी गेटिंग प्राइजेस एंड गिफ्ट वाउचर्स एंड देर आर ऑल्सो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज विद टॉप टेक कंपनीज सो मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर दिस इवेंट एज सुन एज पॉसिबल बाई द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन So, अब क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास बाइनरी मीन हिप है बाइनरी मीन हिप क्या होता है लेट सपोज बाइनरी मीन हिप में नाइन एलिमेंट्स है तो वो बाइनरी ट्री फॉलो करते हैं एंड एक के बाद एक फील होते हैं सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वो इसी ऑर्डर में फिल होता है ठीक है ना हिप में अब इस तरह से फिल होते हैं बाइनरी का मतलब दो चाइल्ड है मीन हिप का मतलब क्या होता है फॉर एवरी नोड इट्स वैल्यू इज लेस देन इट्स चाइल्ड वैल्यूज तो अगर सभी नोड्स के लिए उसकी वैल्यू अपने चाइल्ड नोड्स से छोटी है तो जो फर्स्ट नोड होगा उसमें हमें पूरे

अब इसका बोला है, है, तो इसको हम हम में किस तरह से represent कर सकते हैं? जो minimum value है, उसको फर्स्ट इंडेक्स पे ले सकते हैं एंड इंडेक्स का जो चाइल्ड है अगर आई इंडेक्स है तो उसका चाइल्ड जो है वो टू आई इंडेक्स पे होगा एंड टू आई प्लस वन इंडेक्स पे होगा तो अगर

तो टू इंटू फोर इज एट एंड टू इंटू फोर प्लस वन इज नाइन आई का चल टू आई एंड टू आई प्लस वन तो इसको एरे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नाइन एलिमेंट्स है ठीक है सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट एंड ये नाइन्थ इंडेक्स है फर्स्ट एलिमेंट है टू सेकेंड है थर्ड सेकेंड है थ्री देन फाइव देन टेन देन इलेवन देन सेवन देन नाइन देन ट्वेल्व एंड देन ट्वेंटी ठीक है तो ये समझ में आ गया कि बाइनरी मीन हिप क्या है ये समझ में आ गया एरे रिप्रेजेंटेशन क्या है 1023 एलिमेंट्स एलिमेंट से वो तो सिर्फ कैलकुलेशन के काम आएगा इसकी जगह कुछ भी हो सकता है मेन क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम कंपेरिजन्स कितने लगेंगे टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट अब सॉरी मैक्सिमम एलिमेंट इन द हिप ठीक है मैक्सिमम हिप नहीं अब देखो ये मिनिमम ही मीन हीप है मतलब कि मैं एक स्टेप में मिनिमम वैल्यू क्या है वो एक स्टेप में बता सकता हूं लेकिन मैक्सिमम वैल्यू एक स्टेप में नहीं बता सकता अब मैक्सिमम वैल्यू कहां पे हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है किसी भी लीफ नोड पे क्योंकि हमें क्या बोला गया है मीन हिप है मीन हिप का मतलब क्या है कि जो चाइल्ड नोड से उनकी वैल्यू अपने पेरेंट नोड से बड़ी होगी पेरेंट नोड की वैल्यू चाइल्ड नोड से कम होगी तो अगर मान लो कोई मैक्सिमम एलिमेंट है उस वो लीफ नोड नहीं है लीफ नोड मतलब क्या जिसके चाइल्ड ना हो ठीक है तो मान लो ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन जो मैक्सिमम एलिमेंट है पूरे हिप का वो लीफ नोड नहीं है उसके चाइल्ड है अब मेन हिप में क्या होगा पेरेंट वैल्यू शुड बी लेस देन चाइल्ड वैल्यू लेकिन अगर पेरेंट वैल्यू जो है वो पूरे एरिया में पूरे हिप में सबसे मैक्सिमम है तो उससे कम वैल्यू तो चाइल्ड की हो नहीं सकती तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया मतलब कि हमेशा मेन हिप में मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द होल हिप शुड बी द लीफ नोड बिकॉज द uh, उससे छोटी वैल्यू उसके चाइल्ड की नहीं हो सकती मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द हिप सो इट शुड बीफ नोडिलरली इनपिन एलिट ऑफ दिप शुड बी अड मतलब कि उनका चाइल्ड नहीं होना चाहिए सो so ये लिफ नोड में से कोई होना चाहिए अब हमें यह कैलकुलेट करना होगा कि वन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में कितने लिफ नोड है नाव ये नंबर जो है वो टू की पावर एन माइनस वन टाइप का है इसका मतलब क्या होगा कि वो एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा जैसे कि सेवन है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बिकॉज दिस इज टू की पावर एंड माइनस वन टाइप तो वो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होगा कंप्लीट सिमिलरली अगर थ्री है तो वन टू एंड थ्री ठीक है ना सिमिलरली अगर वन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री है तो उसी तरह से होगा कंप्लीट स्ट्रक्चर तो थ्री में लीफ नोड कितने हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है देखो अगर मैं इन दोनों को रब कर दूँ तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे भी हो सकती है टेन मैक्सिमम वैल्यू अभी यहाँ पे है इलेवन मैक्सिमम वैल्यू यहां पे भी हो सकती है थर्टीन दिस इज ऑल्सो वैलिड यहाँ पे भी हो सकती है फिफ्टीन दिस इज ऑल्सो वैलिड यहाँ पे भी हो सकती है दिस इज ऑल्सो वैलिड तो किसी भी लिफ्ट नोड में हो सकती है तो वन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री साइज का हीप होगा उसमें लिफ्ट नोड्स कितने होंगे ये हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा सो so, अब अगर कैलकुलेट करना है 1023 में कितने लीफ नोट्स होंगे तो देखो थ्री नोट्स में कितने लीफ थे दो सेवन में कितने लीफ थे चार तो मैं ये कह सकता हूँ फॉर वैल्यूज लाइक टू की पावर एन प्लस एन माइनस वन नंबर ऑफ नोट्स इज नथिंग बट टू की पावर एन माइनस वन सॉरी टू की पावर एन माइनस वन प्लस वन बाई टू जैसे कि ये टू की पावर एन माइनस वन सेवन है तो सेवन प्लस वन बाई टू दैट इज एट बाई टू फोर यहाँ पे चार लीफ नोड है सिमिलरली थ्री प्लस वन फोर बाई टू यहाँ पे दो लीफ नोड है तो इसमें लीफ नोड कितने होंगे वन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री प्लस वन बाई टू दैट इज वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाई टू दैट इज़ फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व नोड्स होंगे मतलब कि फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व पोजिशन ऐसी है जहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द हीप हो सकता है अब नंबर ऑफ कंपेरिजन्स की बात है अब ये 512 जो इंडेक्सेस होंगे लीफ नोड के वो एरे रिप्रेजेंटेशन में आखिरी 512 इंडेक्सेस होंगे जैसे कि यहाँ पे सिक्स सेवन एट नाइन आखिरी चार इंडेक्स है अगर सेवन साइज का होता तो सेवन सिक्स फाइव फोर ये आखिरी चार इंडेक्स है है ना तो 512 इंडेक्स जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है वो एरे रिप्रेजेंटेशन में आखिरी फाइव एलिमेंट्स होंगे तो उनमें से ही कोई मैक्स एलिमेंट होगा तो यहां पे इंडेक्सेस नहीं पूछा है सर्च नहीं पूछा है यहां पे पूछा है कंपेरिजन कितने लगेंगे तो अगर मुझे पता है कि 512 हंड्रेड एंड ट्वेल्व पोजिशन ऐसी है, जहां पर मैक्स एलिमेंट हो सकता है तो नंबर ऑफ कंपेरिजन वुड भी फाइव हंड्रेड एंड इलेवन क्यों क्योंकि अगर मुझे पता है कि फोर फाइव सिक्स सेवन ये चार इंडेक्स में मैक्सिमम एलिमेंट है तो मैं क्या करूंगा मैं इस एलिमेंट को मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर कर दूंगा फिर मैक्सिमम एलिमेंट और इसको कंपेयर करूंगा और मैक्सिमम एलिमेंट को अपडेट कर दूंगा मैक्सिमम एलिमेंट और इसको कंपेयर करूंगा मैक्सिमम एलिमेंट और इसको कंपेयर करूंगा, करूंगा तो नंबर ऑफ कंपेरिजन्स तीन लगे टोटल पोजिशंस चार थी सिमिलरली अगर मुझे पता है कि दस एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है तो मैं इसको मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर कर दूंगा फिर मैक्सिमम को इसके साथ कंपेयर करूंगा, करूंगा इसके साथ करूंगा इसके साथ करूंगा इसके साथ कर दूंगा टोटल कंपेरिजन कितने होंगे अगर टोटल टेन एलिमेंट्स है तो नाइन होंगे सिमिलरली अगर टोटल फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व इंडेक्सेस पे मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है तो कंपेरिजन नंबर ऑफ कंपैरिशंस फाइव हंड्रेड एंड इलेवन होंगे सो द आंसर इसवन आई होप आपको क्लियर है थैंक यू